5G इंटरनेट सेवाओं के बारे में कई सालों से सुनते आ रहे हैं, मगर यह लोगों की पहुंच में कब होगी किसी को नहीं पता था। यहां तक कि आपने नया स्मार्टफोन भी ले लिया होगा जिसमें 5G इंटरनेट यानी फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क की सुविधा भी होगी, लेकिन आपको 5G इंटरनेट नहीं मिलता होगा। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज एक खुशखबरी है, क्योंकि आज यानी 1 अक्टूबर को इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी है। दो बड़ी मोबाइल कंपनियों ने देश में 5G सर्विसेज की शुरुआत की है। एयरटेल ने वाराणसी से और जियो ने अहमदाबाद के एक गांव से 5G की शुरुआत की है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है 5G। 5G शुरू होने से देशवासियों को क्या क्या होंगे फायदे और क्या है 4G और 5G में अंतर। इंटरनेट नेटवर्क के 5वें जनरेशन को 5G कहते हैं। यहाँ एक वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है जो तरंगों के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। इसमें मुख्य तौर पर 3 तरह के फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं। पहला लो फ्रीक्वेंसी बैंड, यह एरिया कवरेज में सबसे बेहतर है। इसमें इंटरनेट स्पीड 100 Mbps होती है, लेकिन इसकी इंटरनेट की स्पीड कम होती है। वहीं दूसरे नंबर पे है मिड फ्रीक्वेंसी बैंड, इसमें इंटरनेट स्पीड लो बैंड से ज्यादा 1.5 Gbps होती है। इसमें एरिया कवरेज लो फ्रीक्वेंसी बैंड से कम है, सिग्नल के मामले में यह अच्छा है। वहीं नंबर 3 पर है हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, इसमें इंटरनेट स्पीड सबसे ज्यादा यानी 20 Gbps है, एरिया कवरेज सबसे कम है, सिग्नल के मामले में यह भी काफी अच्छा है। क्या है इसके फायदे? पहला फायदा तो ये होगा कि यूजर्स तेज स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं दूसरा फायदा है कि वीडियो गेमिंग के क्षेत्र में 5G के आने से बड़ा बदलाव होगा, वीडियो बिना बफरिंग या बिना रुके स्ट्रीम कर सकेंगे। चौथा फायदा है इंटरनेट कॉल में आवाज बिना रुके और साफ साफ सुनाई देगी। वहीं पांचवा फायदा है कि 2 GB की मूवी 10 से 20 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। कृषि के क्षेत्र में खेतों की देखरेख में ड्रोन यूज संभव होगा। मेट्रो और बिना ड्राइवर चलने वाली गाड़ियों को ऑपरेट करना आसान होगा। वर्चुअल रियलिटी और फैक्ट्री में रोबोट यूज करना ज्यादा आसान होगा। 5G से सभी काम होंगे आसान। 5G इंटरनेट सेवा के शुरू होने से भारत में काफी कुछ बदलने वाला है। इसमें ना सिर्फ लोगों का काम आसान होगा बल्कि एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी काफी कुछ बदल जाएगा। 5G के लिए काम कर रही कंपनी एरिक्सन का मानना है कि 5 साल में भारत में 50 करोड़ से ज्यादा 5G इंटरनेट यूजर्स की संख्या होने वाली है। अब आइए जानते हैं कि 5G और 4G में अंतर क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है स्पीड। 4G फिलहाल 100 Mbps तक की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है। रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस आमतौर पर 35 Mbps से ज्यादा नहीं होता। 5G में 4G की तुलना में 100 गुना तेज होने की क्षमता है। इसकी टॉप थियोरेटिकल स्पीड 20 Gbps है, रियल वर्ल्ड में 50 Mbps से 3 Gbps तक। वहीं दूसरे नंबर पे है लेटेंसी। इंफॉर्मेशन के पैकेट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने में जितना टाइम लगता है उसे लेटेंसी कहते हैं। 4G नेटवर्क में लेटेंसी वर्तमान में लगभग 50 मिलीसेकंड है, जबकि 5G में 1 मिलीसेकंड तक पहुंचने की उम्मीद है। थर्ड नंबर है कवरेज। 4G के एक दशक के बाद भी दुनिया भर में अभी तक दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में 4G कवरेज खराब है। 5G और 4G के समान कवरेज तक पहुंचने में कई साल लगेंगे। अमेरिका में अभी लगभग 296 शहरों में 5G है। उन 296 शहरों में कुछ जगहों पर कवरेज काफी खराब है। नंबर फिफ्थ पॉइंट है डिवाइस कनेक्ट करने की क्षमता। 4G में एक ही लोकेशन पर कई डिवाइस को संभालने में परेशानी होती है। हम में से कुछ लोगों ने भीड़भाड़ वाले स्पोर्ट्स इवेंट या म्यूजिकल कॉन्सर्ट के दौरान अपने फोन का इस्तेमाल करते समय इसका अनुभव किया होगा, लेकिन 5G में प्रति वर्ग किलोमीटर 10 लाख डिवाइस संभालने की क्षमता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।